सदर प्रखंड के चांदपुरा पंचायत स्थित जन वितरण प्रणाली विक्रेता की मनमानी इतनी बढ़ी हुई थी कि आखिरकार शुक्रवार को ग्रामीणों का गुस्सा फूट पड़ा और दुकान के आगे ग्रामीणों ने हंगामा मचा दिया। वहीं स्थानीय लोगों का कहना है कि कार्ड धारकों ने डीलर जगदीश चौधरी का रवैया सही नहीं है तथा राशन नहीं देता, वहीं देता भी है तो कम देता है। जब पूछा जाता है कि कम क्यों देते हैं तो बोलता है तुमको जहां जाना है जाओ, जिसको शिकायत करनी है करो। मौजूद ग्रामीणों ने कहा कि ऐसा डीलर हमको नहीं चाहिए, जल्द ही जल्द डीलर को बदला जाए, इसका लाइसेंस रद्द कर दिया जाए। खासकर महिला कार्ड धारकों का शिकायत था कि उक्त डीलर के द्वारा महिलाओं के साथ दुर्व्यवहार किया जाता है। सभी कार्ड धारकों ने जन वितरण प्रणाली के विक्रेता के खिलाफ जमकर नारेबाजी भी की। सूचना मिलते ही प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी जीवन कुमार मिश्रा स्थल पर पहुंचकर मामले की पूरी जानकारी ली। उन्होंने बताया कि लाइसेंस निरस्त करते हुए जल्द ही कार्रवाई की जाएगी तथा जो भी परेशानियां हैं उसको भी सुधार किया जाएगा। मौके पर नीमा चांदपुरा थाना अध्यक्ष शशि कुमार अपने दल बल के साथ उपस्थित। बीटी न्यूज बिहार के लिए कमलेश कुमार की रिपोर्ट। हम नहीं माने, हम तो वजन इनकी लड़ाई है सरकार से, वेतन मिले नहीं मिले क्या मिले कार्डधारियों का यह प्रॉब्लम नहीं है कि हमारा जो राशन सरकार द्वारा निर्धारित है उसको दाम बढ़ा के लिए एक हमारी मांग है। दूसरी बात अभी भी किसी पर और अभी कितना इनको आवंटन मिला है उसमें से कितना बांटे हैं ये स्टॉक पंजी दिखला दीजिए कि इनका अगर बढ़ता है तो क्यों बढ़ता है, इसको जांचिए। मीडिया के लोग भी हैं कि स्टॉक पंजी में अगर 20 बोरा क्या बोले चाहिए बहुत गाली गाली रख देते हैं। अभी आप लोग धरना बैठे हैं, क्यों बैठे बैठा क्या बोले फिर बोले गाली गलत करते हैं भगाते हैं हम नहीं देंगे राशन देते हैं कौन राशन मिलता है कितना राशन दिया गया था 35 किलो में 30 किलो किसे किलो राशन क्या बोले 15 किलो 12 किलो 25 किलो 30 किलो क्या बार ऐसा राशन मिला। आज जो धरना प्रदर्शन किया गया वो किस बात को लेकर किया गया? ग्राम पंचायत चांदपुरा बेगूसराय प्रखंड के अंतर्गत जन वितरण प्रणाली विक्रेता जगदीश चौधरी के खिलाफ दर्जनों महिलाएं जो कार्डधारी हैं उन्होंने शिकायत की कि हमें राशन कम दिया जाता है, अधिक कीमत ली जाती है, साथ ही साथ हम लोगों के साथ दुर्व्यवहार किया जाता है, जिसकी शिकायत कार्डधारी महिलाओं ने माननीय मुखिया जी निर्मला देवी से की और मैं विकास मंच स्वयंसेवी संस्था का संयोजक हूँ। इसकी शिकायत के आधार पर मंच के प्रतिनिधियों और मुखिया जी ने दुकान पर कार्डधारियों को बुलाया और उनकी शिकायत की जांच की तो शिकायत सही पाया गया और इसकी जानकारी हम लोगों ने स्थानीय थाना को दी, आपूर्ति पदाधिकारी को दी और हम सारे लोग ग्राम पंचायत की माननीय मुखिया जी निर्मला देवी, विकास मंच के प्रतिनिधि एवं तमाम सैकड़ों कार्यधारी यहां धरना पर बैठे हुए हैं विभिन्न मांगों को लेकर जो इन लोगों के साथ घटनाएं घट रही हैं और आपूर्ति पदाधिकारी स्थानीय थाना अध्यक्ष भी आए हुए हैं और हम लोगों की जो मांग है कार्डधारियों की जो मांग है उस संदर्भ में हम उनको एक ज्ञापन देना चाहते हैं, वो कार्डधारियों को संबोधित भी करेंगे और अगर इस धरना को हम के में उठाए गए बिंदुओं पर अगर वो अविलंब कार्रवाई नहीं करते हैं तो निश्चित रूप से अगली कार्रवाई हम लोगों की होगी कार्डधारियों के साथ कि जन वितरण प्रणाली विक्रेताओं के खिलाफ। एक पर्सनली इसी डीलर की मैं बात नहीं कर रहा हूँ, फिलहाल तो यह डीलर इस डीलर की गड़बड़ी के जांच हो रही है लेकिन सारे पंचायत अंतर्गत सारे डीलरों की अगर जो मनमानी है उसके खिलाफ अगर एक्शन नहीं हुआ तो हम लोग अगला कदम अनुमंडल पदाधिकारी के समक्ष धरना देंगे, यही हमारा कहना है। क्या नाम हुआ जी? मेरा नाम सुरेंद्र कुमार सहनी, मैं विकास मंच स्वयंसेवी संस्था का संयोजक हूँ। मांग भी सुन लिया जाए, हमारी मांग है कार्डधारियों की मांग है जो सरकार द्वारा निर्धारित मात्रा है राशन की वो मात्रा मिले, जो कीमत तय है वो कीमत ले। दूसरी मांग है कंप्यूटराइज तराजू नहीं चलेगा, चूंकि उसमें गड़बड़ी कर दी जाती है, वो
जो वो काटा वाला तराजू होता है उसका इस्तेमाल करें। पॉस मशीन डीलर अपने अपनी दुकान पर रखे। कैश मेमो अनिवार्य रूप से हमको चाहिए। यह मांग बहुत ही मजबूती से हम रख रहे हैं कि कैश मेमो चाहिए जिसमें राशन की मात्रा अंकित हो और कितनी कीमत हमको देनी है वो अंकित रहे। भंडार पंजी की नियमित जांच हो। अगर भंडार पंजी की नियमित जांच होगी तो जो एक्स्ट्रा जो राशन वो बचा बचा के रखते हैं वो राशन पकड़ा जाएगा। जन वितरण प्रणाली विक्रेता जगदीश चौधरी के यहाँ पर पता कर लीजिए। ये कोई भीड़ जो है वो किसी के द्वारा बुलाई हुई भीड़ नहीं है, पता कर लीजिए। इसमें से कोई लोग जगदीश चौधरी के यहाँ लेना नहीं चाहते, पूछ लीजिए लोगों से। हम लोग की मांग है, कार्डधारियों की मांग है कि इनके अंदर जो जन वितरण प्रणाली विक्रेता जगदीश चौधरी के अंदर जो कार्डधारी हैं उनके कार्ड को टैग किया जाए दूसरे डीलर में और अविलंब निलंबन की कार्रवाई हो और मामले की जांच करके लाइसेंस रद्द करने की भी कार्रवाई हो। क्या नाम हुआ? मेरा नाम सुरेंद्र कुमार सैनी, मैं विकास मंच स्वयंसेवी संस्था का संयोजक हूँ। मैं पंचायत का पूर्व मुखिया भी हूँ। 2001 से 6 तक मेरी मिसेज माननीय निर्मला देवी पिछले 15 वर्षों से वर्तमान में भी पिछले 15 वर्षों से यहाँ की मुखिया है।